हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़को ने जो वैकेंसी आपकी निकाली हुई है AGT पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट jobrasta.com पर। वहां पर आकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कोई भी फीस इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त आपकी नहीं लगेगी। यहां पर जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल आपकी रखी गई है, और जो रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में जो कैटेगरीज को, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी दी गई है। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको क्लिक करना है इस अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पर, और फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहां पर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देखिए सारी डिटेल जो जो आपको इस नोटिफिकेशन में आपको चाहिए, आपको डिटेल पता होनी चाहिए। आपका जो है नॉलेज आपकी क्या है, अपर एज क्या है, आपका क्या ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सभी डिटेल आपको फ्रंट पेज पर ही मिल जाती है। यहां पर आप सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सबसे लास्ट में आना है। यहाँ पर आपको दो टैब मिलेंगे, एक है रजिस्टर का, एक है आपका लॉगिन का। क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे, और यदि आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। बात करते हैं इसको सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए। आप इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो भी मेल आईडी है जो कि एक्टिव एंड वैलिड हो, वो आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद क्रिएट पासवर्ड है, तो यहाँ से आप पासवर्ड जो है जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी गई है कि पासवर्ड आपको कैसे जनरेट करना है, तो आप जैसा भी पासवर्ड जनरेट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके फुल नेम का। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या क्या फिल किया है, एक आपकी ईमेल आईडी, एक आपका नाम, आपकी मोबाइल नंबर, और आपने जो एक पासवर्ड जनरेट किया है ये आपने यहाँ फिल किया है। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप इस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने वाले होंगे, उसी समय आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगी, और उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो फ्रेंड्स, वो OTP जो है आपके लिए थोड़ी देर तक वैलिड रहेगी, तो इसलिए आप उस OTP को जल्दी ही यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस OTP को डालेंगे, नीचे पर जो ऑप्शन है यहाँ पर वेरीफाई OTP का, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपकी OTP है वो आपकी वेरीफाइड हो जाएगी, और OTP वेरीफाइड होने के बाद आप इस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चार स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके पर्सनल डिटेल का है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीनों आपके ऑप्शंस पहले से ही फिल आ रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप इनको फिल कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर का ऑप्शन दिया गया है, अपना जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी कैटेगरी का ऑप्शन है, तो आपकी जनरल SC या कोई भी कैटेगरी आपकी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन अभी आपका यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर है आपके फादर नेम का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका जो भी फादर नेम है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और उसके बाद है फादर ऑक्यूपेशन, तो आपके फादर सर्विस में है, बिजनेस में है, या फिर अदर में है, तो आप यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, यदि फ्रेंड्स आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं या फिर अदर कैटेगरी है आपकी, वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन, तो आप इस कैलेंडर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, और यहां से फ्रेंड्स आपका एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहां से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर डेट आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके सन या डॉटर ऑफ एम्प्लॉई या एक्स एम्प्लॉई ऑफ इफको। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है वो एम्प्लॉई है या फिर एक्स एम्प्लॉई है इफको का, यदि आप उसके पुत्र या पुत्री हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। और इसके बाद आपको उनका नाम देना होगा, उनका पर्सनल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, और उनकी जॉब लोकेशन स्टेट आपको यहां पर बतानी होगी। ये तब आपका एक्टिवेट होगा जब यहां पर आप यस करते हैं, नहीं अगर आप नो करते हैं तो सभी ऑप्शंस आपके यहां पर बंद होने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके जॉब लोकेशन का। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कोई भी जॉब लोकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्टेट यहाँ पर आपको अवेलेबल शो है वो उसमें से आप यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करेंगे वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको जो है आनी चाहिए। ये फ्रेंड्स, ये आपको बताया गया है इसकी नोटिफिकेशन में भी, आप वहाँ पर जाकर भी इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं तब भी आप इसमें अप्लाई करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है डू यू हैव पैन कार्ड। यदि फ्रेंड्स आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, इसके बाद पैन कार्ड का नंबर आप देंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, और यदि आपने अप्लाइड किया है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके आधार कार्ड का, सेम वही चीज़ है यहाँ पर। यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करके अपना आधार कार्ड नंबर देंगे, यदि फ्रेंड्स आपके पास नहीं है तो आप नो करेंगे, यदि आपने अप्लाइड किया है तो आप यहाँ पर वो एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर नंबर अपना दे दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट डिटेल है वो है फ्रेंड्स आपके एड्रेस का। तो आपका जो भी एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप इस सेक्शन में लिखेंगे। इसके बाद आप जहाँ के निवासी हैं, जिस स्टेट के, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो सिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आपका परमानेंट और जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सेम है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनटिक रहकर इसकी मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। अभी तक फ्रेंड हमने जितनी डिटेल फिल की है वो आप चेक कर लीजिए, और उसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके एजुकेशनल डिटेल का है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 12th की डिग्री की जो है डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले स्ट्रीम या डिसिप्लिन है तो आप यहाँ पर देखिए कोई भी डिसिप्लिन है अगर आपका इसमें से है, स्ट्रीम है, तो आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद है बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स देनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी कंपल्सरी या फिर आपकी जो चूजेबल जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप सारी सब्जेक्ट अपनी जो है आप यहाँ पर फिल कर देंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपका देना है कि आपने ये कब पास किया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मार्क ऑप्टेन, आपके कितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर देना है, और ये कितने में से आए हैं वो फ्रेंड्स आपको यहाँ देना है। आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी ऑटोमेटिक काउंट होकर यहाँ पर आने वाली है। नेक्स्ट फ्रेंड जो ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर बीएससी डिसिप्लिन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे बीएससी मांगी गई है, तो आपके पास एग्रीकल्चर में है या फिर अदर्स में है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बीएससी कंपटीशन स्टेटस है आपका कि कंप्लीट हो चुका है या फिर परसुइंग है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है बीएससी ड्यूरेशन टाइप, आपका फ्रेंड्स ईयरली सिस्टम था या फिर सेमेस्टर सिस्टम था, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सेमेस्टर सिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए आपका सेम सिस्टम आपका यहाँ तक आ चुका है। यदि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ईयरली सिस्टम था तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको ईयरली सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका ईयरली सेक्शन यहां पर आ जाएगा। इसके बाद है बीएससी कोर्स टाइप, यहां पर फ्रेंड्स आप रेगुलर या पार्ट टाइम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स, बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट, बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट एंड बीएससी फोर्थ ईयर सब्जेक्ट आपको एंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग, मार्क ऑप्टेन और आपका जो टोटल मार्क्स है वो आपको यहां पर एंटर करने हैं। आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी यहां पर आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके एमएससी का ऑप्शन। तो अगर आप फ्रेंड्स एमएससी में आपका कंप्लीट है या परसुइंग है तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास एमएससी नहीं है तो आप यहां पर ऑप्शन क्लिक करेंगे नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहां पर जो सभी ऑप्शन है ये आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एमएससी नहीं है, हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, पर यदि आपके पास फ्रेंड्स है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं या फिर परसुइंग कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वही सेम ईयरली या सेमेस्टर सिस्टम चूज करेंगे। आपका डिसिप्लिन, आपका बोर्ड का नाम और सभी आप यहां पर सेम वैसे ही फिल करेंगे जैसे हमने बीएससी में फिल की हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है अदर क्वालिफिकेशन। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या डिग्री है तो आप यहां पर उसको मेंशन कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहां पर उनकी ऐसी जरूरत यहां पर नहीं है। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके वर्क एक्सपीरियंस डिटेल का। यदि फ्रेंड्स आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहां पर करंट ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहां पर ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपका पोजीशन, आपकी स्टार्ट डेट, आपकी एंड डेट, आपकी ड्यूरेशन और आपकी जो लास्ट मंथ सैलरी है जो आपने विड्रॉ की है वो आपको यहाँ मैंशन करनी है। ऐसे आप यहाँ पर इनको फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप इस नो पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सबसे पहले आपको अपलोड करना है आपका पिक्चर। तो पिक्चर मतलब आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है, और ये अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो टेस्ट लोकेशन है आपकी वो आपको सेलेक्ट करनी है कि आपका जो एग्ज़ाम लोकेशन है वो आप कहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको जो भी सेंटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं उनमें से ही आपको ये सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट है सोर्स ऑफ द इन्फो ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि आपको ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो किसके थ्रू आपको पता लगी है, तो आप यहाँ पर उसको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका लैंग्वेज नोन का, तो अगर आपको इंग्लिश रीड राइट या स्पीक करनी आती है इस पर आप क्लिक करेंगे, हिंदी जो है रीड राइट एंड स्पीक करनी आती है तो वो आप चूज करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपको कोई अदर लैंग्वेज आती है इनमें से तो आप यहाँ पर जो है दो एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको रीड राइट स्पीक आपको ये कर देना है। इसके बाद ये सिग्नेचर में आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, इसके बाद आपको ये डिक्लेयर करना है, और डिक्लेयर करने के बाद आप इस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी AGT पोस्ट के लिए आपने जितनी भी डिटेल अभी तक इस फॉर्म में फिल की है वो सभी आपको यहाँ शो करेगी। आप आराम से डिटेल को चेक कर सकते हैं, और यदि कोई भी गलती आपको यहाँ मिलती है तो प्लीज़ एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप यहाँ से सबमिट कर देंगे उसको फिर बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आप इस डिटेल को एडिट कर सकते हैं, आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, साथ में आपको सबमिट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसका जो सबमिट टैब है इस पर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कोई भी गलती आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप प्रिंट निकाल कर अपने पास इसको सुरक्षित रख सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए फ्रेंड्स बाद में इसकी जो डिटेल है वो जैसे ही मेंशन होगी हम आपको इसके बारे में बता देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने इस फॉर्म को कैसे आराम से आसानी से फिल कर लिया है। आपको यहां पर जो भी इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, आपकी जो एज लिमिट है या फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सभी आपको देखें यहां देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की डिटेल के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आएंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा और वहां पर आकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।